हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर ब्रीफ में बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हमको कमेंट करिएगा, तो हम आपको डिटेल में उसको बता देंगे। वर्क विथ एंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे यूजर के रन करने। हैंडल्स टेक्निक डिटेल इंक्लूड। अब इसमें हैंडल करने के लिए क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो यूटिलिटी को चलाएगा, और यूटिलिटी कैसे चलेगी? जब डिवाइस ड्राइवर होगा, या ड्राइव किसी भी यूटिलिटी को चलाने के लिए उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। और कंप्यूटर समझेगा कैसे कोई बात? जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा। तो कंप्यूटर की क्या लैंग्वेज है? 0 और 1 है। और ट्रांसलेट कैसे होता है? ट्रांसलेट होता है ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर काम करेगा और आपका कंप्यूटर प्रॉपर काम करेगा। अब इस हिसाब से 3 बेसिक कैटेगरी है: एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो इनबिल्ट होता है। और स्टैंड अलोन जो अकेला है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को लिंक करता है, जैसे नोवेल नेटवर्क होता है। तो एम्बेडेड जो होता है वो सिस्टम को ऑपरेशन करने लायक बनाता है। स्टैंड अलोन जो होता है वो सारे सिस्टम को एक्टिवेट करके और एप्लीकेशंस को भी रन करता है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे विंडो, मैक, ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़्यादातर लोग उसी को यूज़ करते हैं और जानते हैं। मैक ओएस पावरफुल है, लेकिन इजी टू यूज़ भी है, लेकिन कम लोग यूज़ करते हैं। यूनिक्स और लिनक्स जो होता है ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर वेब है, नेटवर्क और वेब के लिए यूनिक्स होता है। यूनिक्स में सिक्योरिटी फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, और लिनक्स भी नॉन प्रोप्राइटरी है और यूनिक्स की तरह ही काम करता है। रेड हैट है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ज़ेनिक्स है, ये सब एक जैसा काम करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन, एबिलिटी टू सपोर्ट अ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। एक मशीन पर जब ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं तो उसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। यूटिलिटीज, स्पेशलाइज प्रोग्राम टू मेक अ कंप्यूटर ईजियर विंडो यूटिलिटी। अब वो यूटिलिटी क्या होती है? वो फैसिलिटी जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को इजी चलाने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे फाइल हिस्ट्री, डिस्क क्लीनिंग, डिस्क डिफ्रैग। अब फाइल हिस्ट्री होगी तो आप कोई चीज़ भूल भी गए तो उसमें देख करके आप उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। डिस्क क्लीनिंग अब क्या होता है? क्लीन, जब आप फाइल डिलीट करते हैं तो वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती है, तो उसको क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीन लगाना पड़ता है। तो जो बेकार फाइल होती है, टेम्पररी फाइल होती है, वो सब क्लीन हो जाती है। डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या होता है? जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तो कुछ पोर्शन उसका सेक्टर और डिस्क स्पेस खाली हो जाता है, तो खाली स्पेस को वो एक जगह कर देता है और भरी स्पेस को एक जगह कर देता है, तो डिस्क डिफ्रैग हो जाती है। यूटिलिटी सूट्स क्या है? कंबाइन सेवरल प्रोग्राम इंटू वन पैकेज। अब एक ही पैकेज में ढेर सारी यूटिलिटी जो होती है तो उसको यूटिलिटी सूट्स कहते हैं, जैसे बिट डिफेंडर, नॉर्टन यूटिलिटीज एंड कैस्पर स्काई। ये तीनों ही एंटीवायरस के हैं, लेकिन एक ही सूट में जब मिलेंगे तो यूटिलिटी सूट कहलाएगा। अब सॉफ्टवेयर, हमने सुबह आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर द यूज बाय द यूजर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है सिस्टम मैनेजमेंट के लिए होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटी आते हैं।
और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग कंपाइलर, प्रोग्राम इंटरप्रेटर, लिंकर और लोडर आता है इसके अंदर। अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं होगा तो कंप्यूटर आपके लैंग्वेज को नहीं समझेगा, तो उसके लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर होना जरूरी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, स्पेशल पर्पस जो हम सुबह बता चुके हैं आपको। जनरल पर्पस में वर्ड प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट और एक्सेस आता है, या इमेज एंड वीडियो एडिटर्स आते हैं। और स्पेशल पर्पस में इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे टैली, कस्टमर मैनेजमेंट, CRM एंड अदर DBMS सॉफ्टवेयर आते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हमारा यूज होते हैं। दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू व्यूअर्स।